क्यों आज हमारे काम के 60-70% लोग ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, क्यों आज हमारे नौजवान फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, क्यों कोई मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है तो कोई गेम्स खेल खेल कर वहां पर एडिक्ट होकर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, रात रात भर जाग कर मोबाइल में नेटफ्लिक्स पे सीरीज मूवीज देख देख कर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, फिर कोई लड़कियों के पीछे दीवाना होकर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। कई सारे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। क्या आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप एक डिलीवरी बॉय बने, लोगों के घर जा जाकर खाना पहुंचाएं, कि आप एक ऑटो ड्राइवर बने, रिक्शा चलाएं? क्या आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप किसी चीज का ठेला लगाएं या फिर सब्जियां वगैरह बेचें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 100% कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। ये काम बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम बहुत बुरे हैं, ये काम अच्छे हैं, लेकिन हर माँ बाप की फर्स्ट प्रायोरिटी ये तो नहीं होती ना। हर पेरेंट्स, हर माँ बाप ये जरूर चाहते हैं कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा इंसान बने, कामयाब इंसान बने, अच्छी से बड़ी पोस्ट पर काम करे, एक बड़ा इंजीनियर बने, बड़ा डॉक्टर बने, बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन आज कई सारे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, उनके अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना कीमती वक्त गलत कामों में, फालतू चीजों में लगा रहे हैं। कोई मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है तो कोई गेम्स खेल खेल कर वहां पर एडिक्ट होकर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, कोई रात रात भर जाग कर मोबाइल में नेटफ्लिक्स पे सीरीज मूवीज देख देख कर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर कोई लड़कियों के पीछे दीवाना होकर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, इससे माँ बाप के सपने पूरे नहीं होते, बल्कि इसी का नतीजा उनको आज से 10 सालों बाद नजर आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों आज हमारे कौम के 60-70% लोग ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं? क्यों आज हमारे नौजवान फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिस वक्त उन्हें अपने हाथों में किताब को पकड़ना था, तभी उन्होंने अपने वक्त को किसी और चीज के पीछे लगाया, जिसका नतीजा उनके सामने ही है, और वो आज चाहकर भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ना ही उनके पास कोई स्किल है, ना ही कोई हुनर है, और ना ही इतना पैसा है कि वो खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सके। वो अपनी जिंदगी अभी जी रहे हैं तो बस इसी के लिए कि अपने और अपनी फैमिली, अपने घर की सिचुएशन को संभाल सके और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन वक्त अभी भी गया नहीं है, अभी भी आप अपनी बुरी संगत को छोड़ सकते हो, अपने नफ्स पर कंट्रोल करके अपनी बुरी आदतों से बाज आ सकते हो, अपने एडिक्शन को छोड़ सकते हो। जिस मोबाइल के आप दीवाने हो, उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके कोई नई स्किल सीख सकते हो, किसी हुनर को अपना सकते हो। आज अगर आप अपने नफ्स को कंट्रोल में करते हो, अपने ख्वाहिशात को अपने काबू में करते हो, तो देखना आज से कुछ सालों बाद आप अपने मन पसंद की जिंदगी जियोगे। आपके पास भी एक आलीशान सा घर होगा, इंपोर्टेड कार होगी, महंगा सा फोन होगा, और आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स फख्र से, प्राउड से लोगों को कहेंगे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है।